शोएब बाई चांस अपने दोस्तों के साथ बकरा मंडी जा रहे हैं। ये कैटल फार्म जो है इस अबाउट 2.5 आवर्स फ्रॉम टोरंटो, नॉर्थ वेस्ट ऑफ टोरंटो। तो इस वी ब्लॉग में हम आपको दिखाएंगे कि फार्म यहाँ पे कैसे होते हैं, बकरे किस किस्म के होते हैं, और गायें और बफलो और बुल्स किस तरह होते हैं, प्राइसेस इनकी क्या हैं, व्हाट इज़ द प्रोसीजर हेयर। तो इट्स गोना बी इंटरेस्टिंग कपल ऑफ एपिसोड, सो कीप वॉचिंग। सो आज के ट्रिप में हमारा फोकस जो है गायों पे है। हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे हमें 3 से 4 गायें मिल जाएं। तो यहाँ पे हर किस्म की गायें मौजूद हैं। यहाँ पे आपको बैल भी मिलेंगे, भैंसें भी मिलेंगी, बछियाँ भी मिलेंगे। डिफरेंट ब्रीड्स हैं यहाँ पे, डिफरेंट साइजेस हैं, डिफरेंट कलर्स हैं, सो ऑब्वियसली प्राइस इज बेस्ड ऑन एवरीथिंग। मिनिमम वेट यहाँ पे 2 ईयर्स ओल्ड गाय जो कि 2 दांत की होती है, उसका ट्रस्ट विच इज़ बेसिकली खाली गोश्त जो है वो अबाउट 400 to 550 तक होता है, दैट इज़ मिनिमम, एंड देन ऑब्वियसली गो वे अप। एज यू कैन सी सम ऑफ दीज आर वेरी वेरी हैवी एनिमल्स। तो हम अभी यहाँ पे राउंड ले रहे हैं, देख रहे हैं व्हाट इज़ अवेलेबल, एंड देन वी गोना पिक व्हाट वी लाइक, एंड ऑब्वियसली आफ्टर दैट वी गोना नेगोशिएट व्हाट इज़ द बेस्ट प्राइस फॉर अस। सो जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, जिस काउ पे टैग लगा हुआ है, दिस काउ हैज़ ऑलरेडी बीन सोल्ड। तो इस कैटल फार्म में इस अप्रॉक्सीमेटली 300 to 400 एनिमल्स हैं, और I'm just gonna show you around. I mean, they have inside, they have outside, there are a lot of animals here to choose from. So it's gonna be interesting trip. Hope you enjoy. तो हमने ये 2 शॉर्टलिस्ट की हैं। ये जोड़ी है, हाफ ब्लैक एंगस है ये, अप्रॉक्सीमेटली 600 to 650 इसका ड्रेस्ड वेट है। बहुत खूबसूरत एनिमल है ये, एक प्योर ब्लैक एंगस है, और ये थोड़ा सा स्मॉलर है, लेकिन अगेन 550 इसका ड्रेस्ट वेट है। ही ऑल्सो शोड कपल ऑफ ऑप्शंस हियर, दिस वन इज़ वे टू बिग बट दैट वाज सोल्ड। उसके पीछे भी ब्लैक एंगस है, वो थोड़ी छोटी है तो हमने कंसिडर नहीं की। अगेन ब्लैक एंड वाइट भी हमें यहाँ पर पसंद आई है, उसके साथ जो एक वाइट खड़ी हुई है वो भी हमें पसंद आई है। तो प्राइसेस फॉर दीज एनिमल्स अगेन काफ़ी हाई हैं, तो हम वो प्राइसेस भी एट द सेम टाइम नेगोशिएट कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि कोई रीजनेबल डील बन जाए। दिस इज़ सेम एज यू नो, अगर हम जो पाकिस्तान में शॉपिंग करते हैं, यहाँ पे भी प्रीटी मच सेम नेगोशिएशन है। ये वाइट वन भी पसंद आ रही है। ये अगेन 2 ब्लैक एंगस हैं, एक सोल्ड है जो हमें पसंद आई और एक छोटी है, तो हमने वो कंसिडर नहीं की। I guess there are too many options. तो अब हम जो है quickly decision बनाते हैं कि हम जो है कौन से animal को consider करेंगे। So after long negotiation, we pick these 4 cows. This is another one we got. That is another black Angus, 98. ये काउ पहले दिन कुर्बान होंगी, यहाँ से ये स्लॉटर हाउस जाएंगी, वहाँ पे इनको कुर्बान किया जाएगा, फिर उसके बाद जो है इसको शिप किया जाएगा वन ऑफ दी बुचर शॉप जहाँ पे इसका गोश्त बनेगा, फिर हम वहाँ से पिक करेंगे। इंशाल्लाह वी विल शेयर द वीडियो व्हेन दैट टाइम कम। नेक्स्ट एपिसोड में हम जो हैं बकरे पिक करेंगे, क्योंकि इस दिन हमने सिर्फ गाय पिक की थी और अब बकरे पिक करेंगे। इट्स गोना बी इंटरेस्टिंग एपिसोड, प्लीज़ स्टे ट्यून्ड, इट विल बी रिलीजिंग सून। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस।